एडवेंचरर हूँ, तो उससे पहले मैं फार्मर हूँ। जे देख लो मेरे शूज, देख लो आप वो मेरे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैमन व्लॉग्स। कल रात को हम रुके थे ले में, पैंगोंग से सीधा हम ले आ गए थे। रास्ते में आएगा चांगला पास, करू, और करू में आप मोनेस्ट्री देख सकते हो जो हमने देखी है, लेकिन उसकी हमने वीडियो नहीं बनाई। और ले में जहाँ हम रुके हैं, दूंगा फ़ोन नंबर दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जहाँ रुक सकते हो। आपको बाइक रेंट पे चाहिए, गाड़ी चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको सारा कुछ यहाँ यहीं पे मिल जाएगा। और रूम का प्राइस बहुत ज़्यादा कम है, 1000 में आपको मिल जाएगा, 1800 के पास पास ही आपको मिल जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे टूरिस्ट कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा टूरिस्ट होगा उतना ज़्यादा आपको रूम महंगा मिलेगा। तो आज हम जाएंगे, जहाँ तो हम जिस्पा जाएंगे, जहाँ फिर हम पांग रुकेंगे। कुछ डिसाइड नहीं किया हमने कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है, लेकिन जहाँ भी रुकेंगे आपको पता चल जाएगा। और जो मेरा मोटो ब्लॉगिंग सेट कल से ख़राब हुआ था, मैंने उसको ठीक कर लिया है, अभी चल रहा है, बस मैंने चेक कर लिया है चला के इसको, अभी चल रहा है। नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन पड़ी थी। हमारे रूम से ऐसा भी हो कुछ, इनका ये होटल, एक होटल ये है, एक होटल सामने है, लेकिन सामने वाला बहुत महंगा है, इसलिए हम यहाँ रुके थे। और इन्होंने यहाँ पे वेजिटेबल्स भी लगाई हुई है। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं ले से, तो बाहर से कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर यहाँ से जाएंगे। और सामान सारा हमने पैक कर लिया है, बाइक पे लोड करना है और यहाँ से निकलना है। फान भाई बैठे हैं, इनका गेस्ट हाउस है यहाँ पे। यहाँ पे मैं 2 दिन हो गए, मैं यहीं पे रुका हूँ ले में। अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो आपको हर चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, बाइक हो, गाड़ी हो, चाहे कुछ भी, कोई भी चीज़ की आपने बुकिंग करवानी हो पैंगोंग में, कैंप्स की कोई भी बुकिंग करवानी हो, आप भाई से करवा सकते हो। भाई अपना नंबर बोल दो, 8492030228। एक बार दोबारा रिपीट कर दो, 8492030228। हाँ, जब भी आप यहाँ आओ तो बाइक को कॉल कर सकते हो, आपको रूम भी मिल जाएगा, हर चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे। सो अभी हम बैठ के यहाँ पराठे खा रहे हैं। सो गाइस, अभी हम निकल हुए चुके हैं, निकल रहे हैं ले से मनाली की ओर। कहाँ जा रहे हैं? मनाली की ओर। इस वाली रोड के ऊपर आपको बाइक आराम से रेंट पे मिल जाएगी, बहुत ज्यादा शॉप्स हैं यहाँ पे, आराम से आपको बाइक रेंट पे मिल जाएगी। Your sounds might hurt, but it's all good, cause as long as we together and as long as it's clever, I don't care about the weather, let it rain. Me and my conscience had a talk today, told me when I see the trouble, better walk away. Wait, sometimes you gotta space out, sometimes you gotta change route, sometimes... So, लेसे भी हम बाहर आ चुके हैं और पेट्रोल मैंने फिल करवा लिया है और आराम से अभी जाएंगे अभी हम मनाली की ओर। सो आगे राइडर्स जा रहे हैं हिमालयन के ऊपर, हिमालयन ही हिमालयन आगे, तो मुझे लगता है कि एडवर्टाइजमेंट चल रही है यहाँ पे। प्रॉपर गियर के साथ सारे राइडर्स राइड कर रहे हैं, कमाल है यार, कमाल है। सो अभी हम आ चुके हैं शहर से बहुत दूर पहाड़ों में, एक बार फिर से पहाड़ों में, मिट्टी के पहाड़ों में, कैमल कलर के पहाड़ हैं सारे,
व्यू इतना इतना बढ़िया व्यूज आएंगे अभी यहाँ पे, मजा आ जाएगा। अभी तक तो जो रोड कंडीशन है ना वो बेस्ट है, बाइक चलाने का बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है, राइड करने का मज़ा आ रहा है क्योंकि रोड कंडीशन A1 है, A1 अभी तक तो। Sort of like the suspect, sort of like you gotta get it, sort of like it's not a riddle, lyrically I'm such a swordsman. हाँ जी सर, कहाँ जाना है यार? कहाँ जाना है आपको? हम मनाली जा रहे हैं सर, और जहाँ से हलने है 201 किलोमीटर, लेकिन हलने के लिए चाहिए परमिशन जो कि मिलेगी DC ऑफिस ले से। अब क्या कर सकते हैं, अभी सीधा हमें जाना पड़ेगा मनाली ही। Sort of like it's not a riddle. Sometimes. So, अभी हम पहुंच चुके हैं तांगलांगला पास। Wait. Sometimes the way it sounds might hurt, but it's all good, cause as long as we together and as long as it's clever. तांगलांगला पास में इसकी हाइट है 17,582 फीट पे। सो यहाँ पे एक मंदिर भी है तांगलांगला पास पे। बहुत ज़्यादा हवा तेज चल रही है, बहुत ज़्यादा, आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हो। I don't care about the weather, let it rain. Sometimes. It's gorgeous. देखो कितनी ज़्यादा तेज चल रही है यहाँ भाई, मेरे बाल पूरे हिल रहे हैं। और जहाँ चल रहा है और आमलेट, ब्रेड आमलेट चल रहा है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी सुबह से, हमने सिर्फ एक एक पराठा खाया था। बहुत बढ़िया है, खाएंगे फिर चलेंगे आगे। बेंगलोर से आए अंकल, अंकल बताओ अपने बारे में कुछ। मैं एक्चुअली एडवेंचरर हूँ, पर उससे पहले मैं फार्मर हूँ। फार्मर हो बेंगलोर से आए, और ये मेरा पहला सफ़र है कार में। कार में तो इससे पहले मैं जब भी यहाँ पर आया हूँ इस जगह पर, ये पांचवा ट्रिप है मेरा। पांचवा ट्रिप है लेह का, और यहाँ से अभी जाएंगे देहरादून से हमें मनाली, मनाली से शिमला, शिमला से देहरादून फिर नेपाल की तरफ चलेंगे। नेपाल की तरफ लॉन्ग जर्नी है आपकी? नहीं, मेरे हिसाब से कोई लॉन्ग जर्नी नहीं है, छोटी जर्नी है अभी आपकी। बहुत बढ़िया, फिर तो और रेड दी हिमालय रैली में भी मैंने भाग लिया था। ओके, 2012 में ऑन फॉरेन ओपन क्लास में मैंने 6th फिनिश किया था। ओके, आपको देख के ना जुनून पैदा हो गया मुझ में। जुनून पैदा करना, हां सही बात है। देखो मैं यंगस्टर से क्यों बात करता हूं, सही बात है, ताकि आई सेट एन एग्जांपल कि आप भी ये सब कर सकोगे। सही बात है कैसे कर सकोगे? आप लोग पूरे यंगस्टर्स में क्या होता है, डाउट्स होते हैं। सही बात है, करूंगा या नहीं करूंगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। सही बात है, और जिस बंदे में पैशन है वो कर सकेगा। सही बात है, और पैशन को फॉलो करना कोई बुरी चीज नहीं है। सही बात है और जब तक आप अपनी सोच में बदलाव नहीं लाओगे आपका भविष्य चेंज नहीं होगा। सही बात है, ये बात तो सही है। बदलाव लाओ, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सही बात है। ओके ओके, थैंक यू अंकल।
when I see the trouble, better walk away. Wait, sometimes you gotta space out. Sometimes you gotta change route. Sometimes. जा रहे थे पांग में, लेकिन हमारी आंखों के सामने इतना प्यारा व्यू आया। बाइक यहाँ मैंने खड़ी की और मैंने कहा नहीं, इसको तो मैं रिकॉर्ड करूँगा करूँगा। देखो गाइस, देखो कितना ही प्यारा व्यू है, कितना ही ज़्यादा। ओह माय गॉड, हवा लेकिन बहुत ज़्यादा चल रही है। सो गाइस, व्यू देखो कितना ही ज़्यादा बढ़िया व्यू है। और अभी हम पांग पहुंचने वाले हैं, पांग में रुकेंगे और कुछ खाएंगे वहां से, क्योंकि अब मुझे फिर से भूख लग चुकी है। अभी पता नहीं क्या हो रहा है आज मेरे साथ, मुझे बार बार भूख ही लगी जा रही है, भूख ही लगी जा रही है। ध्यान से भाई साहब। ओके, बाय बाय आंटी जी। भैया तो अभी हम पांग से निकल चुके हैं। Sort of like the suspect, sort of like you gotta get it, sort of like it's not a riddle. Lyrically I'm such a swordsman. Sort of like the suspect, sort of like you gotta get it, sort of like it's not a riddle. आज हम नाइट स्टे करेंगे सरचू में, जो कि अभी भी यहाँ से है 60 किलोमीटर। आराम से वैसे पहुँच जाएंगे। अभी वैसे नुकीला पास आएगा, अभी थोड़ी आगे जाके नुकीला पास आएगा। जब ब्रिज क्रॉस करने के बाद ही नुकीला पास आएगा, थोड़ी दूरी पे ही नुकीला पास आने वाला है। Sometimes. कर रहे हैं शॉर्टकट, एक वहाँ ऊपर से रास्ता जा रहा है और एक रास्ता था यहाँ बिल्कुल सामने से। लेकिन हम कहाँ से जाएंगे, बिल्कुल सामने वाले शॉर्टकट रास्ते से भाई साहब। देखो पहाड़ के ऊपर धूप पड़ रही है और इस पहाड़ पर पड़ रही है और इस पहाड़ पर नहीं पड़ रही है। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, टाइम 5:51 हो चुके हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं ला चुंगला पे। अल्टीट्यूड है 16,616 अल्टीट्यूड है और भगवान शंकर जी यहाँ बैठे हुए हैं इन पहाड़ों में, तो बहुत बढ़िया है। और ट्रक आ रहे हैं अभी, तो फोटो लेते हैं यहाँ पे ला चुंगला टॉप पे। गाइस हवा देखो कितनी ज्यादा, हवा तेज चल रही है यहाँ पे। सो अभी सनसेट हो चुका है, थोड़ी थोड़ी रोशनी है पहाड़ों में, लेकिन क्या रोड है यार, क्या रोड है। सो अभी हम पहुंच चुके हैं सरचू में। भाई साहब, मेरी लाइफ की सबसे ज्यादा
डेंजरस राइड जो है ना वो मैंने आज की है, खतरनाक, इतना एडवेंचर भरा रास्ता मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी कवर नहीं किया है, वो भी इस टाइम इतने अंधेरे में। डेढ़ डेढ़ फुट मिट्टी थी, जब मैं अपना पांव नीचे रखता था तो मेरे पूरे शूज मिट्टी में, सिर्फ डाबे डाबे हैं सरचू रोड के ऊपर। हम वहीं अभी रूम ले लिया छोटा सा, यहीं रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रात बितानी है। अभी मुझ में हिम्मत भी नहीं है कि मैं आगे चला जाऊँगा 8 किलोमीटर, लेकिन भाई साहब जो राइड आज की है ना, मैं अपनी लाइफ की सच्ची में बोलूँगा आज तक इतनी खतरनाक राइड मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं की। जे देख लो मेरे शूज़ देख लो आप, और मेरे कपड़े देखो, इतनी इतनी मिट्टी थी, इतनी 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 मिट्टी में से मैं अपनी बाइक लेके आया हूँ। मैं अपनी आपको अपनी बाइक दिखा दूंगा ना, बाइक का क्या हाल है आप देख के ना हैरान रह जाओगे कि कितनी मिट्टी लगा तुझे आज। भाई आज तो रोड बहुत खतरनाक था सच में यार, इतना डर लग रहा था ना। हम दोनों ना इतना ज्यादा डर गए थे, इतना ज्यादा कि बहुत ज्यादा आज तो पूरा मौत के मिट्टी खाई, मिट्टी मौत के मुंह से बाहर आए, मौत के मुंह से, सही बात ना, मौत हमारे लिए चाचा बना रहे हैं पीछे। तो खाना खाएंगे और आराम से सो जाएंगे, आप सुबह मिलते हैं, कल सुबह यहाँ तक आ चुके हो तो आपने कुछ नहीं करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। भाई साहब मैं कहता हूँ कि इतनी ज्यादा हालत बुरी हो चुकी है ना आज, मेरे से तो बोलने नहीं जा रहा है। मिलता हूँ मैं आपको कल, बाय बाय।